जिंदगी में अगर बेचारा बनना चाहते हो तो अपने लिए बेचारे वाले वर्ड ले लो, अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छे वाले वर्ड इस्तेमाल करो। घंटों घंटों उछल कूद वर्कआउट करते हैं, पेट साला आगे पीछे नहीं हिल रहा। तो शाहरुख खान क्या कहते हैं कि जी जिस चीज़ को आप मोहब्बत करते हो ना, तो वो आपकी तरफ क्या पूरी कायनात आपको ला के दे देती है। जी जहाँ देखी तरी वहीं दिखा दी, मैं बिजी हूँ, मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे ससुराल फुप्पो के यहाँ जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुहेब हसन यानी तंदुरुस्त वाला जुहेब हसन आपके हाजिर खिदमत और बहुत दिन बाद हाजिर खिदमत। चलें, मैं ओपनर से पहले जो है ना, मुझे एक बात जहन में आई और यकीनन बहुत ज़्यादा सैड डेज हैं ये। रीज़न बिहाइंड कि आज हमने अपने अजीम साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान साहब को खो दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। मतलब मेरे ख्याल में ये एक वीडियो कम होगा अगर मैं उनके लिए बात करूँ। आज का टॉपिक बेशक ये नहीं है, और फिर अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं तो उमर शरीफ साहब को भी हमने पिछले दिनों जो है वो जहाने फानी से रुख्सत कर गए, और दो बहुत बड़े लेजेंड जो है यकीनन अपनी यादें छोड़ गए। हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह अब्दुल कदीर खान साहब थे, उनके मिशन को हम आगे लेके चल सकते हैं बहैसियत कौम, और यकीनन आर्टिस्ट भी इस कौम में बहुत सारे हैं। अच्छा जी, तो बात सारी है कि आज के इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, कि जब आप किसी भी एक फिटनेस रेजिमेंट को अडॉप्ट करने जाते हो, और वो क्या है जनाब, मोटिवेशन। किस चिड़िया का नाम है मोटिवेशन, आज जोबेसन आपको बताएगा जी मोटिवेशन क्या है। लेकिन मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, और उसके साथ साथ उन लोगों का भी तस्करा करेंगे, हो सकता है कि उन्हें बुरा लग जाए अगर वो देखें, जो लोग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं लाइफ में ना, मैं बिजी हूँ मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे ससुराल फुप्पो के यहाँ जाना है और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो भाई मेरी बात सुने आप, बहुत सारे लोग जो हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना स्क्रॉल डाउन करते हैं, कुछ बॉडी बिल्डर फिटनेस मॉडल्स और जो फिट लोग होते हैं उनकी पिक्चर्स को देखते हैं और बड़ा जो है मुतासर होते हैं, यकीनन होना भी बनता है, क्योंकि उन लोगों ने यार अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को अडॉप्ट किया हुआ है। आपने उस डिसिप्लिन को अडॉप्ट नहीं किया हुआ, आपके सामने तो निहारी कढ़ाई कुछ भी आया, आपने जी जहाँ देखी तरी वहीं दिखा दी, मतलब बिछा दी दरी। तो भैया ऐसे नहीं चलेगा, फिटनेस जो है आप यकीन जानिए कि फिटनेस लक से नहीं आती है। आप इस बात को भी छोड़ दीजिए कि जी उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, फलाने बंदे के जेनेटिक्स अच्छे हैं, उसकी तो जो उसको जी गॉड गिफ्टेड है, ऐसा नहीं, अल्लाह ताला की आपसे लड़ाई नहीं है। ठीक है भैया, तो तुमसे लड़ाई नहीं है, इस बात को क्लियर रखो जहन में, आपसे कोई फड्डा नहीं अल्लाह ताला का, आप भी उतनी महबूब हैं उतने ही अजीज़ हैं जितने दूसरे लोग हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखता हूँ। मेरे पास भी ये मसले मसाइल हैं, आना जाना घूमना फिरना दोस्त यार एक्स वाई जी फैमिली इन एवरीथिंग, लेकिन यार मैं अपने आप को, मैं आया ना तुम्हें कुछ टिप्स बता देना चाहता हूँ, और आप यकीन करो इसको अपने जहन में मान लो, भाई तुम यहीं रहो, मैं इसको वरना हिलाता रहूँगा। एनीवे, तो वो टिप क्या है जनाब, वॉच योर वर्ड्स। अपने लिए जिन अल्फाज का इंतखाब करते हो ना भाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वही चीज़ फिटनेस के लिए जो माइंड में अपनी पिक्चर बना, हाउ फिट यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ, मैं सीरियस बता रहा हूँ, ये फिल्मिंग अपने जहन में करें, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जहन में सोचें, तखय्युल यानी कि तसव्वुरात ही आप सोचें कि जी आई एम गाना बी फिट, और यकीन जानिए कि जब आप इस तरह से सोचते हैं तो शाहरुख खान क्या कहते हैं कि जी जिस चीज़ को आप मोहब्बत करते हो ना, तो वो आपकी तरफ क्या पूरी कायनात आपको ला के दे देती है, समथिंग लाइक दैट। तो आप यकीन जानो इससे मोहब्बत अगर आप करते हो किसी भी चीज़ से, सक्सेस है आपकी लाइफ में, फिटनेस है, जिम जाना है, उसको इमेजिनेशन में तो लाओ भाई, एक इमेजिन करें आप कि जी मैं आई एम फिट एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। पहले भी बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, ऐसे लोगों के साथ रहें, सराउंड योर सेल्फ जिनका आपके साथ, जिनका मतलब ऑब्जेक्टिव सेम हो, वो भी चाहते हैं कि जी ऑब्जेक्टिव आपका सेम हो, तो फिर आप लोग मिलके चलें आगे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो बगैर डिसिप्लिन के ना फिट नहीं होगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है जिम में लोगों को मैं देखता हूँ, घंटों घंटों उछल कूद वर्कआउट करते हैं, पेट साला आगे पीछे नहीं हिल रहा। क्यों नहीं हिल रहा, घर जाके वो समझते हैं, बोलते हैं यार मैं वर्कआउट तो बहुत करता हूँ, लेकिन क्या है जनाब कि जनाब वो खाने पीने में अपनी डाइट के ऊपर तवज्जा नहीं देते।
तो इस बात को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है आपने। और सबसे बड़ी बात है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट। मैं अपने लिए क्या करता हूँ, मैं ये तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ अपने ऊपर। मैं ये सोचता हूँ कि जी आई एम गना बी फिट, मैं फिट रहता हूँ, मैं फिटनेस को 24/7 अपने माइंड पर रखता हूँ। जब मैं छोड़ देता हूँ तो मैं मेरा वेट पुट ऑन होने लगता है, मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ। लेकिन क्या है कि आपने चलते रहने, कीप मूविंग वाली सिचुएशन में रहना है अपने आप को फिट रखने के लिए। वॉच योर वर्ड्स इज द मेन की आज के वीडियो का, ये कि अपना वर्ड्स को ज़रूर वॉच करें। जिंदगी में अगर बेचारा बनना चाहते हो तो अपने लिए बेचारे वाले वर्ड ले लो, अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छे वाले वर्ड इस्तेमाल करो, अच्छा सोचो, जैसा गुमान वैसा नतीजा। ठीक है, तो सिर्फ आज का यही मैसेज था। बहुत दिन बाद आया था, थोड़ी सी बातें कड़वी लगी होंगी, कह देना कमेंट में गुस्सा है तो, नो इश्यू एट ऑल। और हाँ, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग समझते हैं मैं फिट होना है भाई, आपका भाई जिम जाएगा, कुछ दिन में स्टेराइड यूज़ करेगा और फिट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कर लो। मैं मतलब जो भी शख्स जिंदगी में, जिसने भी जो डिसीजन लेना है, कोई स्टेराइड यूज़ करना है, इट्स देयर ओन चॉइस यार। आपको गुड भी पता है, आपको बैड भी पता है। सॉरी यार, मैं हमेशा थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ और इसके साथ जो है ना मेरा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बहरहाल, ये आपका अपना डिसीजन है, आप डिसीजन कर लें भाई। आपने स्टेराइड लेना है, ओके भाई ले लीजिए, नहीं लेना चाहते नहीं लीजिए, आप समझदार हैं, आपकी अपनी सेहत है। इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, उस पर मैं एक अलग वीडियो कर दूंगा। लेकिन यार यकीन जानो, अपने लिए अच्छे वर्ड इस्तेमाल करो, और मैं तो यही करता हूँ, इसलिए मैं फिट रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में आज मैंने बहुत मंजन भेज दिया, थोड़ा बुरा भी लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे तंदुरुस्त।